अस्सलामुअलैकुम जी, एक नए शॉर्ट्स के साथ हाजिर हूँ। बैक पे आप देख रहे हैं तंदूरी। ज़्यादातर ये जो हमारे इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं, तंदूरी इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं, वहाँ पे हर सेक्टर के अंदर एक मार्केट है, ठीक है। F10-1 में है, F10-2 में है, 3 में है, 4 में है, और आहिस्ता आहिस्ता ये सब मार्केट्स जो हैं वो कमर्शलाइज होती जा रही हैं। इन द सेंस के जो छोटी दुकानें थीं, छोटे करियाना स्टोर्स थे, उससे वो हट के अब वो बिग ब्रांड्स जो हैं वो उसको अक्वायर कर रही हैं। अपेरेंटली वहाँ पे रेंट कम है और दे आर सॉर्ट ऑफ फोर्सिंग पीपल आउट कि आप जो है वो ये ज़बरदस्ती उनको बेच दें और जो है वो कर लें। मतलब मेरे सामने एग्जांपल F10-1 की, जिसमें जो है वो यहाँ पे जो मार्केट है उसको, उसमें हमारा एक शॉपकीपर थे, बहुत साल पहले की बात है जब ये तंदूरी नहीं बना था, तो शॉपकीपर थे एंड ही वाज सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड आउट कि आप ये ज़बरदस्ती सेल करें और जो है वो बेच दें ताकि हम यहाँ पे तंदूरी बना सकें। अब तंदूरी के साथ एक और जो है वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट बन रहा है, एंड देन देर इज़ अ ब्यूटी पार्लर एंड द लिस्ट गोज़ ऑन, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, ये मैंने वैसे F7 में भी देखा है, कहने का मकसद ये है कि जो एक्चुअली जहाँ पे कमर्शियल अलॉटमेंट है, कमर्शियल रेस्टोरेंट्स वगैरह होने चाहिए और सारा कुछ, वहाँ पे नहीं है, लेकिन ये मार्केटों में भाग हैं। F10-2 में भी इसी तरह ही है, आई डोंट नो, F10-4 में भी शायद इसी तरह ही है। सो फिर ये ब्लू एरिया का कॉन्सेप्ट और ये सारा कुछ क्यों है? ब्लू एरिया जो है वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम वो जो प्रेसिडेंसी के पास से जो है वो ये एंड तक, जी F11 तक तो मैंने देखा है, F11 तक, ठीक है। तो व्हाई दिस एक्सटेंशन? क्या वहाँ पे सिर्फ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनने हैं, ठीक है। सो आई थिंक के इनको रीथिंक करनी चाहिए अपनी स्ट्रेटजी, और ये जो छोटी छोटी मार्केट्स हैं इनको छोटी छोटी मार्केट्स ही रहने देने, ठीक है। यहाँ पे लोगों का रोज़गार चल रहा होता है, लेकिन आई डोंट नो, रोज़गार के ऊपर जो है वो लात नहीं मारनी चाहिए। ये मेरी ओपिनियन थी, तो शॉर्ट से ज़्यादा ही हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।